Good morning, everyone. Hi. I'm Anushka Contractor, your bokeh coach for the day. Good morning and welcome to the Fit India Movement program this morning. Good morning. I'm Anushka, your bokeh coach for the day. Today we're going to be doing a small routine जो आप घर पे भी कर सकते हैं. आपको equipment की ज़रूरत नहीं है. आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वेट्स वगैरह वो कुछ भी नहीं यूज़ करने वाले हम आज. सिर्फ आपका मैट यूज़ करने वाले हैं और थोड़े ही लूज़ कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडेज सिंपल रूटीन फुल बॉडी पे फोकस करेगा. तो आप एक्चुअली ये इसका रिकॉर्डिंग दूसरे दिन भी आप रिपीट कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके बाद. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस मॉर्निंग. दिस इज अ ब्यूटिफुल मंडे, दिस इज अ ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग ओवर हियर इन मुंबई. इट्स अ लिटिल कोल्ड ओवर हियर एंड वेयर एवर यू आर मेक श्योर दैट यू आर वॉर्म सो दैट योर बॉडी एंड योर जॉइंट्स आर प्रोटेक्टेड. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट. Good morning. Hi, I'm Anushka once again. Those who have just joined in, I have my feet thode distance pe. Okay, bahut dur nahi, bahut paas nahi, thode this distance pe main khadi rahungi. And squeeze the stomach, squeeze the bum, control the chest. And from here, just lifting up and stretching. Early in the morning hai, saans lijiye, lambi saans lijiye. और मुंह से छोड़िए. सो सांस नाक से लेना है और सांस मुंह से छोड़ना है. ओके, सो इनहेल एंड एक्सहेल एंड इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू आउट द क्लास, पुलिंग अप एंड थोड़ा पीछे जाएंगे. इनहेल एंड कम बैक वंस मोर. कीप स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स. इट्स अ नाइस ब्यूटिफुल मॉर्निंग. रियली इनहेल द फ्रेश एयर that is around. Okay, so from here thoda heels uthayenge aur toes pe jayenge. Squeeze the stomach. Aap jitna aapka stomach squeeze karenge utna balance rahega. Agar aapka stomach squeeze nahi hai to aap thoda left right jayenge. To really squeeze your stomach, squeeze your bum and you will be able to maintain. Nahi to fir aap kuch pakad sakte hain aur uske baad slowly हाथ आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट डू थ्री अप एंड डाउन. हील्स गोइंग अप एंड डाउन. ओके, सो अप एंड डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. लास्ट टाइम गाइस, इनहेल, पुल अपवर्ड्स, स्क्वीज द स्टमक. And exhale, coming down. This time, going all the way down. Pura, हमारे spine को warm up करेंगे. You know, the spine is connected to your entire nervous system. Okay, so if you warm up your spine, your entire nervous system is working properly, and hence your emotions and everything related to your nervous system will be on track. So make sure you warm up your spine well. So from here, starting with your head, we're going down and come up. Just three times. Roll down and come up. One last. Go down. Stay there. मेरे knees थोड़े से हल्के से bend हैं. अभी सुबह सुबह पूरा straightening कीजिए. Okay, so have your hands on your toes. Knees थोड़े bend हो सकते हैं, पर बैक पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए. स्टे देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टे देयर. 10. नाउ फ्रॉम हियर वी आर ओनली गोइंग टू स्ट्रेटन वन लेग. तो मेरा राइट नी बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरा लेफ्ट नी जैसा था वो बेंड ही रहेगा. ओके, स्टे देयर. 1 2 3 4 5 दूसरी साइड स्वॉप करेंगे. तो अभी राइट बेंड और लेफ्ट स्ट्रेट. 1 2 3 4 5 स्वॉप अगेन. लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द मैट, पर आप आगे नहीं जा रहे, पर आप चल रहे हैं.
ओके। इस सब में आपका बैक जितना स्ट्रेट हो सकता है उतना स्ट्रेट रखिए, ओके। एंड 3, 2, 1 एंड फ्रॉम हियर लेफ्ट लेग इज बेंट, लेफ्ट हैंड इज ओवर हियर। जो लेग आपका स्ट्रेट है वो हाथ भी ऊपर स्ट्रेट जाएगा। सो ट्विस्ट इन द स्पाइन, स्टे देयर। रिमेंबर वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑल डायरेक्शंस, फॉरवर्ड, बैक, ट्विस्ट, बैकवर्ड्स, साइडवर्ड्स, फ्रंट, एवरीथिंग, ऑल डायरेक्शंस, ओके। एंड कम बैक, दूसरा साइड। अभी राइट जो नी है बेंड रहेगा, हाथ नीचे, जो लेग स्ट्रेट है उसका हाथ ऊपर जाएगा। स्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड कम बैक। रिमेंबर यू डोंट नीड टू काउंट एक्चुअली, जितना आप होल्ड कर सकते हैं एनी पर्टिकुलर पोज, बट यू कैन सेंस इन योर बॉडी। जब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही खुद समझ में आएगा कि 10 काउंट कितना करीबन ड्यूरेशन है एंड हाउ लॉन्ग योर बॉडी वॉन्ट्स टू होल्ड दैट पोज, ओके। सो दैट विल कम विद प्रैक्टिस। इनिशियली यू कैन काउंट अ लिटिल बिट। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई फीट थोड़े अपार्ट, ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जस्ट बेंड एंड मूव योर हिप्स, थोड़ा लूज कर देंगे, जो हिप जॉइंट है वो लूज करेंगे, ओके। नीज को थोड़ा बेंड करेंगे शुरू में, हाथ नीचे और बैक स्ट्रेट, ओके, स्टे हियर। अभी डीप स्क्वाट करेंगे, सो 1 एंड अप 2 एंड अप। जब आप ऊपर आते हैं, जब आप स्ट्रेट होते हैं, आपके पैर पूरी तरह से स्ट्रेट ना हो तो भी चलेगा, ओके। सो डीप स्क्वाट करें और थोड़ा उठे थाइस, सो डीप एंड अप, बैक स्ट्रेट, 4, 5, 6, 7, वन लास्ट, 8, स्टे हियर, ओके। डीप स्क्वाट, रियली पुश योर नीज आउट इफ यू कैन, हैंड्स ऑन योर नीज, गोइंग साइडवेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप हाथ नीचे रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। कम बैक अप, स्ट्रेच कीजिए, पैर सीधे, अभी तो पैर सीधे क्योंकि हमने पैर वार्म अप कर दिए हैं, ओके। बोथ योर हैंड्स टुगेदर एंड फ्रॉम हियर सिर्फ एक हाथ ऊपर जाएगा। पूरी बॉडी में ट्विस्ट आप देख सकते हैं, मेरे मिड रिफ में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, आपके स्पाइन में भी ट्विस्ट आना चाहिए, ओके। जितना आप थाइस को टाइट रखेंगे उतना आपको नी पे प्रेशर नहीं आएगा, ओके। लेट्स ट्राई द अदर साइड, एंड कम बैक एंड relax, very good guys, okay. So we've done a lot of twists and we are going to include twists in everything that we actually do, okay. Still keeping our legs apart, we're just going to go side to side lunge. So ek pair bend, dusra pair straight, so 1, 2, 3, 4 jitna ho sake low jaiye, 5, 6, 7, 8, 9, 10 center and come up, okay. Now my toes are facing forward and one foot is facing outwards, okay. आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये heel है वो ये इस आर्च के लाइन में है, okay. तो ये वाला पैर ये वाले पैर के बीच में होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे, okay. पीछे मत रखिए, जितना आप पीछे रखेंगे आपके नी पे प्रेशर आएगा एंड यू डोंट वॉन्ट दैट, ओके। स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग डोंट स्ट्रेस आउट योर नी सो मच, ओके। सो फ्रॉम हियर स्टे हियर। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक
mistake actually a lot of people do is actually turn your hip towards the aage wala leg. That is absolutely wrong. So make sure that the hip jo hai wo side ki taraf face ho raha hai. Okay? Depends on what you're calling front. Sometimes I call this front and sometimes I call this front. But whatever it is, make sure your hips are straight. Can you see? Only my this leg has turned out. Okay, my hips are still facing forward. So stay here. And from there, maybe you might need to increase the gap between your legs. And then from here, we're just going to go down. Make sure your knee is really pushed out. At all points, push your knee out constantly. Just warming this part up. Now remember, if you were facing this side, okay, पहले तो pressure पीछे के knee पे pressure बहुत बहुत आता है, twist आता है, so you might land up with an injury. Also, if you are twisting this way, you are actually not opening up this right groin, correct? You are not opening up this thigh and you are actually defeating the purpose of the whole asana, correct? So try and have your hips facing the way you started, squeeze and then go lower. Okay, so this should open up. Stay here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as much as possible, as low as possible and come back. Okay, let's try the other side. We're still warming up this sort of area of the body. The asana mein hum 2 minute mein karenge. Okay, squeeze as much as possible. And I'm going lower. One side will feel easier than the other and less stiff than the other, but which is absolutely normal. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and come back. Okay, now from here, same thing, same principle. Pair turned out, hips turning. Hips staying straight, but this time we're not going to bend our aage wala knee. Dono pair straight hi rahenge aur uske baad hands in parallel. Okay, jo pair twist hua hai uski taraf jayenge. Okay, don't make the mistake, humko piche nahi jana hai, humko aage jana hai. So jo pair twist hua hai uski taraf jayenge, and when you're ready, hand not on your knee, knee ke niche and up. Stay here. I'm not going to count over here, but I want you to take deep breaths. Okay? Maybe 5 deep breaths. Agar aapko bahut pressure aata hai, yahan ye knee pe, because of the weight of your body, aap thoda knee bend kar sakte hai. Okay? Stay there. And last time when you're ready, lift up your hand and come back. So I'm going to do this side facing over here. Dusra side, maine pair change kar diya hai. Okay, so my left leg is now turning out. My left heel is in line with my right arch. Hands parallel to each other. जो पैर खोला है उसकी तरफ जाएंगे. Hand not on the knee, knee के ऊपर नहीं तो knee के नीचे, पर knee पे हाथ नहीं रखेंगे. And hand up. Okay, stay. 5, 4, 3, 2, 1. And from here extend the hand all the way. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1 big 10. Should we repeat this once more? Okay, only the last bit. All right, open up your leg quickly, quickly squeeze your stomach, hands by your side, going sideways, and from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Brilliant, guys. Doing really, really well. The other side.
क्विकली जस्ट मेकिंग श्योर कि जो मैंने सीखा था वो सही सीखा था, मुझे याद है, मुझे मेरे बॉडी को याद है. इट्स वन थिंग अबाउट एक्चुअली लर्निंग द आसन स्पेशली ऑन कैमरा ऑन वीडियो विथ अस, बट इट्स वन थिंग टू प्रैक्टिस इट विथ यू, प्रैक्टिस इट लाइक सेपरेटली ऑल्सो. तो आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं और जब आपको टाइम मिलता है आप प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए. ये बहुत सिंपल आसन है, आप घर पे बैठे बैठे भी कर पाएंगे. ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी आर जस्ट गोइंग टू गो इनटू अ डाउनवर्ड डॉग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु इज कमिंग इन. आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल. गुड मॉर्निंग. आई एम most thankful to everyone who's just come in. Quickly, let's just go into a downward dog. Okay, stay here. Now remember, the biggest question is ke downward dog mein aapke heels touch hone chahiye ke nahi. Not important. Okay, absolutely not important. Aapke knees bhi bend ho sakte hain aur aapke heels, if you want, mat ko touch bhi nahi ho sakte hain. Okay. Let's quickly go. We are going to do downward dog into Bhujangasana. Okay, quickly stay there. 3, 2, 1. Forward into a plank. Squeeze the bum and look up. And once more up and Bhuja. Downward dog. And Bhujangasana. Last two times, guys. Downward dog. And Bhujangasana. One last. Downward dog. And Bhujangasana. Put your knees down on the floor. Really press into the mat. Make sure you are not like this. Make sure you're really pushing up, shoulders back. Squeeze the bum behind, support your back and sit back. Vajrasana mein baithenge. Vajrasana ke baad knees ko thoda separate karenge. Separate karne ke baad aapka chest jo hai fit hoga ye gap mein basically. Okay, so from here going forward, staying there. 3, 2, 1. Okay, remember this child's pose actually is something that you should end your class with, and if you have the time and if you can pause this video later on when you're actually practicing, you can spend a little more time in this pose, a little longer than what everyone is, a little longer than the routine. Okay, now from here just sit down. Okay, release your ankles. Your ankles are the biggest stress points in your body. The calves hold a lot of stress. Okay, remember when you are feeling extremely stressed out, your calves will be the tightest. So the only way to stretch out your calves is through this ankle joint because it's connected over here. So best is just do point and flex. Point is when your toes are away from your body and flex is when your toes are towards your body. So really ऐसा कुछ routine नहीं है कि पहले आगे पीछे फिर side side, आप कुछ भी कर सकते हैं. Okay, थोड़ा creative बनिए. मैं sometimes मैं alternate भी करती हूँ. It's pretty cool. Okay, and from here normal Sukhasana. Okay, stay there. If you want to drink water, just hold on for another 8 minutes. We will be done with this session and then you can have some water. Okay? Till then, just stay here. Spine straight. Contain your energies. Okay, you've built up a lot of energy and a lot of heat in your body. And from here, simply going downwards. So, हमारा जो active curve था, हमने थोड़ा difficult किया पहले,
अभी थोड़ा हम कूल डाउन की तरफ जाएंगे. फ्रॉम हियर ट्विस्ट वन साइड लेफ्ट हैंड टू राइट नी और वन हैंड बिहाइंड एंड ट्विस्ट, सिंपल ट्विस्ट करेंगे. कम बैक अदर साइड. ओके, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई गेट वेरी ऑफन इज हाथ कितना पीछे होना चाहिए. ओके, जब हम ट्विस्ट करते हैं हाथ अगर पीछे होगा आपकी बॉडी पूरी पीछे की तरफ झुकेगी और आपको इट एक्चुअली किल्स द पर्पस ऑफ द आसन एक्चुअली. ओके, सो यू सिट अपराइट ऑपोजिट हैंड टू ऑपोजिट नी और जो ये पीछे का हाथ है उसका जो थंब होता है, ओके, द थंब ऑफ द हैंड बिहाइंड शुड टच योर बॉम. ओके, इतना पास होना चाहिए एंड देन द हैंड शुड हेल्प यू टू सिट अप एंड स्ट्रेटन योर स्पाइन अप. सो रियली स्ट्रेटन योर स्पाइन एंड ट्विस्ट. नॉट हैव योर हैंड बिहाइंड, नो नो, दैट्स अ बिग नो. हैव योर हैंड एज क्लोज टू योर हिप्स एज पॉसिबल. अदर साइड. कम बैक पीछे की तरफ, स्ट्रेटन योर एल्बोज, थोड़ा उठाएंगे अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो जहाँ है वहीं रहिए एंड गो फॉरवर्ड. उठा सकते हैं तो थोड़ा उठाइए. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द फिट इंडिया सेशन दिस मॉर्निंग. थैंक यू सो मच वी गो की कोच, वी गो की कोचेस आर रियली रियली हैप्पी टू हेल्प every Indian sitting at home right now to become fit. And I take personal achievement, like I'm really proud of the fact that we get to help everyone who has a smartphone and to be able to reach out to everyone who actually has access to video. So thank you so much for including me. And my name is Anushka Contractor and I'm your Goki coach for the day. And if you've just tuned in, we've just been doing simple asanas. Okay, now from here, just have your legs a little wide, stay here, squeeze. Okay, point and flex once more. Okay, point and flex once more. Stay there till I just come and read some comments. Okay, stay here, stay here, stay here, stay here. And Archit, 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 Dekhai. Okay, brilliant. Thank you so much. Okay. Okay. Legs a little apart. Stay there. Now, same hand, same leg ko touch karenge. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and dusra hath upar. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Twist kijiye jitna ho sake. Come back. Let's try the other side. Hath piche. Twist as much as possible. Come back and release. Okay. Sideways. Now, from here, both legs straight and one leg bent. Okay. जो ये bent वाला heel है वो आपके groin में ऊपर की तरफ जाएगा. So actually पूरी तरह से packed हो जाएगा. Okay, like It's a very compact position over here. Okay. Now same hand, same leg. जो leg आगे है उसकी तरफ जाएंगे and touch करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stay there. Same hand, same leg. सिर्फ अभी तक same hand, same leg ही touch कर रहे हैं. And then when you are ready, actually twist towards the leg. Okay. First twist towards the leg. And then extend your hand. Remember not to be like this. Okay? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो shoulder है
वो बहुत बाहर जा रहा है. बोथ शोल्डर्स इन लाइन विथ ईच अदर एंड देन होल्ड योर हैंड, होल्ड योर लेग विथ बोथ योर हैंड. स्टे हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फ्रॉम हियर स्ट्रेटन योर बैक. स्टे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेम हैंड सेम लेग. और जो ये दूसरा वाला हाथ है ऊपर की तरफ जाएगा. ओके. स्टे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये जो बेंट एल्बो है, ये जो एल्बो है वो नी नी पे रख दीजिए, नहीं तो फिर नी की तरफ पुश कीजिए. ओके. रियली पुश योर एल्बो ऑन द नी. बेसिकली योर हैंड इज कंप्लीटली रेस्टिंग ऑन द लेग. एंड कम बैक. ओके. वन लास्ट टाइम. ओनली ऑपोजिट हैंड नाउ विल गो. Okay, so if you can't actually reach your opposite hand yet, you can actually throw a pulse over there. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then when you actually reach that spot, you can stay here. दूसरा हाथ साइड में रखें. Not really needed right now. Actually, सिर्फ opposite hand के साथ काम कर रहे हैं अभी. And come back. Swap sides. I remember when I was actually practicing and I was really learning yoga, sometimes it takes time for you to actually get used to the poses and get good at the poses or get good at the practice also. And for the longest time, mera haath aage nahin pahunchta tha. Mera haath sirf maybe yahan tak pahunchta tha, you know, knee ke ghutne ke thode niche. पर मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि आज सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ऑल्सो इफ यू आस्क मी टू एक्चुअली एक्सटेंड फॉरवर्ड माय हैंड्स गो बियॉन्ड द टोज. सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई कैन डू इट. एनीवन कैन बिकॉज आई वाज सो वीक एट अ गिवन पॉइंट दैट जस्ट प्रैक्टिस कैन एक्चुअली इवॉल्व योर प्रैक्टिस सो मच. सो मेक श्योर that you practice as much as possible. It doesn't matter aap kya practice kar rahe hain, it doesn't matter kiske sath practice kar rahe hain. Hamare paas bahut sare goki coaches hain jo alag alag tarah ki yoga bhi sikhate hain. Okay, so my class will be different than the other yoga coaches ka classes, but try everything that works for you. Okay, anything that not necessarily gives you progress बट यू स्टिल वर्क ऑन इट. सो आपको मालूम है हमने राइट साइड पे क्या किया था. आप लेफ्ट साइड भी अपने आप कीजिए थोड़ा. आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू. ओके. ऑपोजिट हैंड. स्टे हियर. कम बैक एंड रिलैक्स. ओके. सो वी हैव now missed, we have skipped the shavasana part today because we actually exercised a lot. Remember, if you want to actually do a whole routine, you should include a relaxation, some breathing and some shavasana. Today I went through all the exercises that you can actually do to remain fit sitting at home also. Okay, so if you have the time right now, just lie down on your mat. Okay, lie down on your mat. Have your knees together. Okay, knees together, feet together, and drop the knees to one side, shoulders still facing up. Stay there. So drop it to one side and stay there till I come and see the comments with you. Okay, and then when you are done, you can get your knees back and go to the other side. So thank you so much for coming in this morning. Please spend a little longer on your back. Really relax your spine. And thank you so much for coming in. Be the force.